हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द पावर पफ गर्ल्स शो के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आपने मेरी पिछली वीडियोस को प्यार दिया, आप इसको भी देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है मैंने। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। टाउन्सविल शहर सुबह सवेरे एकदम शांत है, क्योंकि यहां के नागरिक, खूबसूरत दोस्त और परिवार के सभी सदस्य सो रहे हैं। इन्हीं में शामिल हैं हमारी नन्ही लड़कियां ब्लॉसम, बरकप और बबल्स। हम छुप कर देख रहे हैं, अगर आवाज धीमी नहीं की तो लोगों को हमारी जासूसी का पता चल जाएगा, इसलिए आवाज धीमी रखो और छुप जाओ। ये तो वही बोरिंग कपल होगा अड़ोस पड़ोस के बाकी लोगों की तरह। टाउन्सविल के सभी नागरिकों की तरफ से रॉबिन हमारे पड़ोस में तुम्हारा स्वागत है। ओह बैटिकप, तुम सचमुच सख्त जान हो। एक बार जब तुम घोंगे में फंस गई थी और वो बहुत ही खराब था और तुम घोंगे को मार रही थी, धू धू, और बबल्स, अब बारी है तुम्हारी। आपने लेवल फिर कम कर दिया। मैं भी ब्लॉसम और बटरकप की तरह ताकतवर हूँ, मैं भी इससे ज्यादा मुश्किलों का सामना कर सकती हूँ। अच्छा बस इस बार लेवल ऊपर कर दो, मैं दिखा दूंगी। हाँ, पकड़ लिया, मैंने तुम्हें आउट कर दिया, तुम हार गई, मैंने तुम्हें हरा दिया ब्लॉसम, प्यारी नन्ही बबल से। ओके ओके, वो है बड़ी और पीली पैसा डाकू वाली, शहर में घूमे मुसीबत उसने वाली। ये तो आसान था और 45 सेकंड बच भी गए। हे, इसके तो सिर्फ 60 आंखें हैं। छोटी तो गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 58, 59, 60 ब्लॉसम 60 ही है। तुमने देखा कितना चालाक है, मिचो मैन सिर्फ से खुद ही मुसीबत बनाता है, इसीलिए जुर्म होने से पहले ही वह मौजूद रहता था। चलो अब उसे अच्छा सा सबक सिखाते हैं। टाउन्सविल शहर, ये 101 शहर के पूरब में करीब 15 मील पर दक्षिण से हार्बर फ्रीवे ले लीजिए, फिर बस सीधे बाई तरफ तीसरा घर है। बाय। कौन है? हाँ, ओ मेरे कॉलेज का पुराना दोस्त और रूममेट डिक हार्डली। ओह गॉश, मुझे याद है लैब में हम कैसे देर रात तक साथ साथ काम करते थे। मेयर, टाउन्सविल पर हमला हुआ है मॉन्स्टर का, वो आपके घर में घुस गया है। फिक्र मत कीजिए, आपकी पत्नी सुरक्षित है, बस आपके कीमती गुलाब के पेड़ बर्बाद हुए हैं। बेकार है, ये बेकार है, मेरे गुलाब के पौधे गए और उन्हें वापस लाने का कोई तरीका भी नहीं है, वो भी इसलिए कि गर्ल्स स्टूपिड फोन को उठा ही नहीं रही। मुझे जो मर्जी तुम्हारी वो कहो, बस मुझ पर डाका डालो और चलते बनो, पैसा ले लो, खूबसूरत चीजें ले लो, मेरी पत्नी, गहने सभी, अच्छा काम करने की ट्रॉफी मेरी पत्नी। हे बॉस, ये क्या है? नहीं, मेरा कीमती अनोखा लाखों में चीनी मिट्टी का पूडल नहीं, कुछ भी, लेकिन मेरा कीमती अनोखा लाखों में चीनी मिट्टी का पूडल मत ले जाओ। हाँ, ये कौन है? पानी का हिमांक 32 डिग्री फारेनहाइट है, जबकि ये उबलता है 212 डिग्री पर। ग्रीनविच मीन टाइम का है 212 डिग्री, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर और लैटिट्यूडिनल एक्सिस पर इक्वेटर का 32 डिग्री नक्शे में एक खास बिंदु बनाता है, वो बिंदु टाउन्सविल शहर में मौजूद है, लिंकन और मेन वहाँ मिलते हैं। सही शब्दों में कहें तो या ये बिंदु हो सकता है आइसक्रीम पार्लर पर या वही कहीं। हैव अ नाइस डे गर्ल्स। और बटरकप, हाँ कैसी हो? हे, तुम सब पोकियोक्स जाती हो? मैं अगले हफ्ते से जाऊंगी। तुम्हें अच्छा लगेगा, वहाँ आर्ट्स और क्राफ्ट्स भी है, कहानी भी और रिसेस, क्या डॉजबॉल भी है? हाँ, ये सब चीजें मुझे पसंद है, लेकिन मैं कर नहीं सकती क्योंकि मेरे सारे खिलौने और किताबें पैक्ड है। ये सच है, मैं कैंडी चुराने जा रही थी, तुम लोग मुसीबत डालने के लिए मुझे हमेशा छोड़कर चले जाती हो, मैं परेशान थी। लेकिन इसे चोरी करने का क्या मतलब? Hey girls, एक दिन के लिए मुझे पावर ऑफ गर्ल्स बनने दो और डैड के लिए वो मैं तुम स्कूल जाओ। नहीं थैंक्स प्रिंसेस, हम अपने नए दोस्त रॉबिन के साथ स्कूल पैदल जाएंगे। तो ठीक है, जाहिर है तुम्हें बढ़िया चीजों के बारे में कुछ पता नहीं। 5 रुपए कभी देखे हैं? वैसे 5 रुपए तुम्हारे लिमो में बैठने के लिए या पाप ऑफ गर्ल बनने के लिए? हाँ, चलो अल्फ्रेड, ये वक्त की बर्बादी है। हे बेबी, खुश हो?
तुम मेरे साथ रहो, हम अच्छा वक्त गुजारेंगे। मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ अपने बारे में। पता है बच्चा होना बहुत मुश्किल होता है, और खास कर बहुत बहुत अमीर बच्चा। कितनी सारी चीजें करनी होती है, कितनी जगह जगह पर जाना पड़ता है। हर रोज मैं कितना पैसा खर्च करती हूँ ये सोचना बेकार है। मुझे आराम ही नहीं मिलता, और तुम्हें तो पता है मैं नींद लिए बिना रह ही नहीं सकती। तुमने तो देखा कि अमीर होना आसान नहीं है, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता। मेरे बारे में तुमने बहुत बताया, अब तुम्हारे बारे में बताओ। रुको, शो शुरू होने वाला है, तो मैं कहाँ थी? रुकावट के लिए खेद है। अब देखिए पॉप ऑफ गर्ल्स की मॉन्स्टर से ताजी मुठभेड़। मॉन्स्टर कैसे अपने आइलैंड पर वापस जा रहा है, देखिए आपस की छोटी सी बातचीत कैसे सुपर हीरो कारनामों का नमूना बनती है। हेलो बेटी, मेरी मॉम भी साथ आई हैं, ठीक है ना? हे यूटोनियम, मुझे नया असाइनमेंट मिला है। अभी तक साइंस से चिपका है, अब बेवकूफ है। देख, मैं ये बुक ले आया। ओह थैंक यू। हाँ, इसका बिल तुम्हें जल्दी चुकाना पड़ेगा। ओह थैंक्स। तो टाउन्सविल कैसे आना हुआ? मैं आप पास ही में था तो सोचा देखे पुराने रूममेट के क्या हालचाल है। अंदर आ जाओ। जरूर जरूर, अंदर आओ। वाओ, जरा ये जगह तो देखो, अभी भी सन 60 में रह रहे हो। लगता है कॉलेज छूटा ही नहीं। आजकल किस पर काम कर रहे हो, लैब कहाँ है? बधाई हो, एक पूरी हुई 8 बाकी है। याद रखो पहेलियों को सीमित समय में सुलझाना है। जरा सी चूक हुई तो प्रोफेसर कीमत चुकाएगा। बताओ प्रोफेसर कहाँ है हिम? तुमने बांटी खुशी लोगों में मैं ये जानू। अब उनकी आंखों से ले बहाओ आंसू तो मानू तुम्हें मिलते हैं 2 मिनट। मुझे मजा आता है जब तुम लड़ती हो। मेरे ख्याल से तुम्हें और लड़ना चाहिए। ओ बबल्स, रो मत नन्ही मुन्नी, मैं हूँ तुम्हारे लिए। उसे और मत सुनो। सुनो, मेरे ख्याल से ब्लॉसम तुम सब पर बहुत रोब मारती है। मुझे तो लगता है बटकप को बॉस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बबल्स, तुम बटकप से कहना कि उसी का पलड़ा बहुत बहुत भारी है। हाँ ऐसा ही, चलो देखते हैं। नहीं, हाँ, ओ हाँ, मुझे दे दो सुंदरी। मिस बेलम, क्या ख्याल है अगर मैं तुम्हें सुंदरी कहूँ? मुझे अच्छा लगा। हाँ बहुत ही अच्छा है, और इसी कीमती चीज के लिए मैं मेयर और पूरे शहर पर हमेशा के लिए राज करूँगा। श्रीमान, ये सिर्फ मेरा ख्याल है, क्या आज वो कुछ अजीब सी बातें नहीं कर रही थी? कैसे? डकैती, बैंक में, सोनार की दुकान पर, आपके घर पर, दिन दहाड़े आपसे बचकर निकल भागना, और भी बताओ। हाँ, समझ में नहीं आया। भारी आवाजें, मुंह पे बाल, लंबाई, आदमियों की बू। और पावर पफ गर्ल्स के भेस में वो आदमी थे, समझे? हाँ, अब एक ही काम करना है। हेलो चीफ ऑफ पुलिस, पावर पफ गर्ल्स को गिरफ्तार कर लो। माफ कीजिए श्रीमान, लेकिन आप दरअसल है कौन? जर्म को कुचलने वाला, गड़बड़ी को खत्म करने वाला, और बुराई को दूर करने वाला, मैं हूँ मेजर मैन। मेजर मैन, ये किस तरह का नाम है? मैदान साफ है फ्रेड, माफ करना हमने तुम्हें बहुत मारा। ठीक है, मैंने अच्छा किया ना, है ना? बहुत अच्छा किया, किसी को शक नहीं हुआ कि ये हमारा प्लान था, शुक्रिया। कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगली बार इतना मत मारना मुझे। अब तुम मेरे कब्जे में हो प्यारी नन्नी बबल। दुनिया को मुट्ठी में करने का प्लान अब कोई नहीं रोक सकता। कैसा प्लान? बताता हूँ, मैं अपने लेजर बीम तुम पर डालूंगा और तुम छोटे बच्चे की तरह चिल्लाओगी। आवाज सुनकर तुम्हारी बहनें तुम्हें बचाने आएंगी, और उनके स्वागत के लिए मैं तैयार रहूंगा, तुम्हें तो पता ही है। और जब तीनों देवियां मेरे रास्ते से हट जाएंगी तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। हेलो, मैं बटरकप बोल रही हूँ। मेरा पैर शहर के कूड़ा घर में फंस गया है, और मैं फंस गई हूँ, मुझे बचाओ। मैं और नहीं सह सकता, ये पॉप ऑफ गर्ल है, ये भली है, हम बुरे हैं। म्यूजियम में खाई मार से अभी तक बदन दुख रहा है। ये प्राचीन गमला शायद 2 रुपए का तो होगा ही।
हाँ बहुत अच्छे, तुम हमारे साथ खेल सकती हो। माफ कीजिएगा श्रीमान, क्या हमारी बॉल वापस मिलेगी? श्रीमान, तुम इससे बात कर रहे हो बच्चे? यहाँ कोई श्रीमान नहीं है, कम से कम मेरे ख्याल से तो नहीं। लिटिल अटूरो, क्या तुम्हारा नाम श्रीमान है? नहीं। क्या ख्याल है बिग बिली? और नहीं। ग्रबर, मैंने भी यही सोचा, क्या तुम्हारा नाम श्रीमान है स्नेक? हाँ, मतलब नहीं, माफ करो, यहाँ तो इस नाम का कोई नहीं है। मेरे ख्याल से इन बच्चों को मजा नहीं आ रहा है। तुम चाहते हो हम इन्हें मजा चखाए? हाँ लिटिल लटूरो, इन्हें मजा लेना दिखाते हैं कैंक्रीन के स्टाइल से। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम करियर के बारे में सीखेंगे। बड़े होने पर अपनी जीविका के लिए जो हम करते हैं उसे कहते हैं करियर। और इसमें हमारे कुछ बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स हमें ये बताएंगे कि वो अपने करियर के लिए क्या क्या करते हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग करियर चुना है और ये निर्भर करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। हाँ अच्छा बच्चों, तुम में से किसी को पता है कि बड़े होकर तुम क्या करना चाहते हो? अगर पता है तो हाथ उठाओ। हम कामयाब हो गए, अब हम पक्के मुजरिम हैं। हाँ मुजरिम। ये वाओ, अब चलो देखते हैं। हाँ दिखाओ। जरा देखूं। वाह वो संतरे, देखते हैं चलो। हाँ संतरे। हाँ वो, हाँ वो संतरे, वो फल जिन्हें तुमने अभी भी चुराया है, चलो दिखाओ। तुम उन्हें देखना क्यों चाहते हो? मैंने कहा दिखाओ यानी दिखाओ। तुमने नहीं लिए क्यों? इससे नहीं लिया बॉस, मैं लेने वाला था लेकिन वो तो चोरी होती है ना। मोटालो, इस संतरा डकैती का प्लान बनाने में मैंने महीनों लगाए और आखिर में तुमने सब चौपट कर दिया। तुम तो एकदम लुटकू पुटकू हो। बिग बिली को सोडा नहीं मिला। बहुत होगी बेवकूफी, तुम चढ़ोगे। देखो तुम सचमुच मुझे गुस्सा दिला रहे हो बदमाश, मैं चलता हूँ दोस्त, समझे तुम? शायद वही अनोखी पावर पफ गर्ल्स बना लो जिसके बारे में तुम कह रहे हो। क्या तुम पावर पफ गर्ल्स को अभी बनाने जाओगे? बिल्कुल, ये आसान है दोस्त, मैं हूँ प्रोफेसर, याद है? नहीं। हाँ ये दिलचस्प घटना ही तो है, मुझे प्रेरणा मिल चुकी है। बॉयज एंड गर्ल्स, हेलो, मेरा नाम है मिस्टर अनुष, मैं हूँ अनुत का पिता। मैं बीमा करता हूँ, मेरी कंपनी टाउन्सविल में बिल्डिंग्स का बीमा करती है। मैं एक बहुत ही बिजी आदमी हूँ। हाँ तो सुनो बच्चों, आज हम कुछ मजेदार करेंगे और दिनों से हटकर हम सचमुच एक धधकता हुआ ज्वालामुखी बनाएंगे। और सबसे आगे मैं ही रहूँगा। हाँ तो बच्चों, तुम सबको कुछ सामान दिया गया है। हाँ तो मैं कह रही थी कि सबसे पहले दूध की बोतल लीजिए और उसे रख दीजिए कटोरे के अंदर। अब मिट्टी लीजिए और उसे हाथों से मलिए। अब उस मिट्टी को ज्वालामुखी बनाने के लिए बोतल पर लगाते जाइए, लेकिन ध्यान रहे बोतल का मुंह बंद नहीं करना है।